कॉर्न पालक कोफ्ता एंड पालक ग्रेवी। संजीव कपूर खजाना में आपका स्वागत है। मेरा नाम सीमा है और आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक कॉर्न के कोफ्ते इन पालक ग्रेवी। ये एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और हेल्थ से भरी हुई है। पालक कॉर्न कोफ्ते के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड कॉर्न, हम यूज़ करेंगे इसमें बारीक कटी हुई पालक, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा बेसन, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, चुटकी भर खाने का सोडा, गरम मसाला। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए पिसे हुए प्याज, ब्लांच की हुई और पिसी हुई पालक, पिसे हुए टमाटर, आप टोमेटो प्यूरी भी ले सकते हैं डब्बे वाली या घर में भी टमाटर पीस सकते हैं, काजू का पेस्ट, अगर आप काजू नहीं खाना चाहते हैं तो आप तिल का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम या मलाई, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, तेल। कोफ्ते बनाने के लिए हम एक बाउल में कॉर्न, बारीक कटे हुए पालक, इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे, साथ में हम इसमें डालेंगे बेसन, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और सोडा। इसमें हम थोड़ा सा गरम तेल डालेंगे, और पानी डाल के हम इसे छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे। थोड़ा सा बेसन हम इसमें और मिलाएंगे। हमारा तेल अब गर्म हो गया है, हम इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना के तेल में डाल देंगे। हमारे कोफ्ते बहुत बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे चपटे कोफ्ते हम बनाएंगे। हमारे कोफ्ते पक रहे हैं, उतनी देर में हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हम इस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गरम होने में इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में डालेंगे ये पिसा हुआ प्याज। हमारे कोफ्ते अब हो गए हैं, हम इन्हें पेपर पे निकाल लेंगे। इन कोफ्तों को हम बहुत ज़्यादा लाल नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कॉर्न है, फिर कॉर्न हार्ड हो जाते हैं। इन कोफ्तों को हम साइड में रख देंगे और अपनी ग्रेवी को बनाएंगे। हमारे प्याज भी इस तरफ हो रहे हैं, हमने अपने कोफ्ते निकाल कर साइड में रख दिए हैं। प्याज को हमें पूरी तरह ब्राउन कर लेना है। हमारे प्याज बिल्कुल होने वाले हैं, हम इसमें अब टोमेटो प्यूरी डालेंगे। दो से तीन मिनट तक हमें इस टोमेटो प्यूरी को पकाना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, काजू का पेस्ट, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक और इसे अच्छी तरह हिला लेंगे। इस ग्रेवी में हम पिसी हुई पालक मिलाएंगे। इसे हम 5 से 7 मिनट पकाएंगे। इसमें हम डालेंगे क्रीम, हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। हम कोफ्ते डाल के इसे 2 मिनट पकाएंगे ताकि कोफ्ते में इसका रस चला जाए।
थोड़ा सा एक या दो चम्मच पानी डालेंगे। हमारे कोफ्ते तैयार हैं, अब हम इनसे सर्व करेंगे। कोफ्तों को हम एक सर्विंग बाउल में डालेंगे। फ्रेश क्रीम और कटे हुए हरे धनिये के साथ हम इसे सर्व करेंगे। हमारे पालक के कोफ्ते अब खाने के लिए तैयार हैं। इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ खाइए और आनंद लीजिए।